मेरे पिताजी ने आज से लगभग 40 साल हो गए होंगे अब तो, हाँ 40 या 38 साल पहले जमीन बेची थी। तो 3 बीघा पिताजी की थी, 3 बीघा पार्टनर की थी, टोटल 50,000 रुपए बीघा में 3 लाख में बेच दी, तो अब पिताजी को 1.5 लाख मिले। आज से 38 साल पहले बेची और आज से लगभग 5 साल पहले मतलब 30-33 वर्ष बाद 50,000 रुपए बीघा बेची हुई जमीन का कोर्ट से नोटिस आया, ये जमीन आप ही के नाम है, जिस व्यक्ति को आपने नाम की थी वो आदमी मृत्यु होने से नामांतरण नहीं हो पाया, उसके नाम नहीं हो पाई, और अब आप आओ और इस जमीन का क्या करना है वो तय करो। अब 33 वर्ष बाद जमीन की कीमत है 1 करोड़ रुपए बीघा। मैं आपसे पूछता हूँ, 1 करोड़ रुपए बीघा बन के आई हो 50,000 की जमीन, तो स्वामी करोगे कि नहीं करोगे? झूठे आंसर नहीं, प्रैक्टिकल आंसर दो, ये जीवन में सच्चाई है कि नहीं है, खुशियां मनाओगे कि नहीं मनाओगे? आप बात कर रहे हो पूछने की, लोग तो कोशिश करते हैं ऐसा हो जाए, और मैं कह रहा हूँ आपने छल कपट नहीं किया, अपने आप ऐसा होके आई, तब तो आप कहोगे प्रभु हम तो सही थे, हमने कुछ नहीं किया है, 1 करोड़ क्यों किया, ये तो आइए अब तो हम तो लेंगे। 99.99% लोग उस जमीन के मालिक बन जाएंगे, कुछ कम ज्यादा में करके दोबारा सेटलमेंट करेंगे 99। उस दिन मैंने सोचा मेरे गुरु क्या करते, न्याय क्या करता, इस चीज में न्याय कैसे स्थापित होता, धर्म क्या करता। तो फिर मन में आंसर आया, अगर तू अभी ये 3 करोड़ ले लेगा तो जीवन भर वो 3 करोड़ कितना काम में आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन प्रकृति तुझसे 30 करोड़ छीन लेगी, लेकिन अगर तूने आज इस 3 करोड़ के ठोकर मारी तो तेरी पीढ़ियां ये कहती रहेगी मेरे बाप और दादा ने कभी रुपए की वजह से अपना जीवन में अपने संस्कार नहीं खोए, अपना कैरेक्टर नहीं खोया। मैंने किसकी नकल की, मैंने विश्व में सर्वश्रेष्ठ की नकल की। जब भी जीवन में 2 रास्ते मिले, एक कठोर एक सुगम, कठोर चुनना, कठोर चुनना, क्योंकि धर्म संकट में फंसोगे आप। बताओ जीवन में फंसते हो कि नहीं फंसते हो धर्म संकट में? लेकिन आज तक धर्म संकट की परिभाषा नहीं पता। जब धर्म को निभाना ही संकट हो जाए और सुख ही धर्म लगे, सुख ही धर्म लगे और धर्म को निभाना और धर्म को छोड़ना ही पड़े, वो धर्म संकट है। जब जब धर्म छूटे और सुख ही आपको जीवन में धर्म लगे, उस टाइम आपने न्याय छोड़ दिया, समझ लेना वो धर्म संकट है भाई।